पांडे ये सब क्या है? जी सर। एक भी स्लाइड ऑर्डर में नहीं है क्या? एक भी काम ठीक से नहीं होता क्या? इस सब का इंचार्ज कौन था? सर जी वो अपनी ऑफ कोर्स, और हो भी कौन सकता है, मिस खतरा। सर जी अभी तो यही थी, पता नहीं अचानक कहां लापता हो गई। सॉरी सर, वो मैं बहाने बनाना बंद करो मिस खतरा। पहले ये बताओ एक भी स्लाइड ऑर्डर में क्यों नहीं है? आज मेरे दादी के नाम से एक चैरिटेबल विंग शुरू होने वाली है। आज कुछ भी गड़बड़ हुई तो मैं जानती हूँ, मैं नौकरी से हाथों बैठूंगी, है ना सर? आप एक बार दिन में कितने बार बोलते हैं? आप यही बात बताए, एक घंटे में 6 बार बोलते हैं। आप थक नहीं जाते? एक ही चीज। थकता हूँ ना, लेकिन मेरी बातों से तुम्हारे काम पर कोई असर पड़ा नहीं ना? बेशर्मों की तरह गलतियों पे गलतियां किए जाती हो तुम। रोज रोज कहा सर, वो तो बस कभी कभी। ये ना, ये मुंह फुलाना बंद करो, एक दिन गुब्बारे की तरह फट जाएगा। मुझे एक बात बताओ, जब ऑफिस में सब लोग काम करें, तुम कहाँ घूमने चली गई थी? मैं भी तो काम ही कर रही थी ना सर, एक टाइम से दो दो शिकार। हाँ वॉट? वो क्या है ना, मैं अपना चेकअप इसी हॉस्पिटल में करवाती हूँ, तो मैंने सोचा काम के साथ साथ अपने रिपोर्ट भी कलेक्ट कर लूँ। वाह, तुम्हें अपना पर्सनल काम ऑफिस टाइम में करना जरूरी था? आप फिर से चिल्लाने लगे, आप अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करते? थोड़ी सेव किया कीजिए ना, मुझे अपनी बात कम्प्लीट तो करने दीजिए। एक्चुअली हुआ क्या, मैं प्रेजेंटेशन का काम ही कर रही थी और मैं स्लाइड शो के बारे में देख रही थी, उसमें ना थोड़े चेंजेस करने थे, कुछ रिवाइज करना था और वो मैं प्रेजेंटेशन में ऐड करने वाली थी, और अचानक से मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? तुम्हारे बेबी होने तक का अगले 6 महीने का डाइट प्लान नहीं है? जी नहीं, अपनी गलती सुधार रही हूँ मैं। डिंग डिंग, मैंने सोचा हम, मेरा मतलब है आप दादी के नाम पे इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो उस विंग में दादी की एक तस्वीर तो होनी चाहिए ना, ताकि जरूरतमंद लोग जब आए उनका इलाज करवाने तो उन्हें भी तो पता चले कि उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण किनके वजह से आ रही है, और साथ साथ में दादी को भी दुआ मिलेगी और दादी जल्दी से ठीक हो जाएंगी, है ना? फोटो अच्छी है ना? हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारी स्लाइड्स का सीक्वेंस बिगाड़ दो। कंफ्यूज? क्या कुछ कहा? मैंने ये कहा कर दूंगी, सब फाइल मेरे पास है ना, तो मैं कर दूंगी, आप जाइए। जो भी कर रही हो जल्दी करो। एक मिनट सर। पांडे। जी सर। लाओ इसे। ये लो, सारी स्लाइड्स ऑर्डर में होनी चाहिए, समझे तुम? जी सर जी। हटो। सर। हीरे की किसी को परख ही नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं। चलिए दादी, पहले आपको आपकी सही जगह रख देती हूँ। अरे मैडम जी, आपने ये प्रोजेक्टर ठीक से सेट तो कर दिया है ना? इस फाइल के अंदर एडिशनल स्लाइड्स हैं, इन्हें स्कैन करके आप प्रेजेंटेशन में डाल दीजिए। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि स्लाइड्स का सीक्वेंस सही हो, कहीं अगर स्लाइड्स आगे पीछे हो गई तो सर जी अस्पताल को ही सर पर उठा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए, सब काम अच्छे से होगा। अच्छी बात है, तो फाइल यहीं पड़ी है। हाँ मेरे बेटे पार्थ को नौकरी से निकलवाया ना, अब देखना मैं क्या करती हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, आज इंदु मेरा चैरिटेबल ट्रस्ट की शुरुआत इंडिया से होने जा रही है, ऐसी जगह जहाँ एक सपना संजोया गया था, परोपकार का सपना। और सिर्फ इसी जगह नहीं बल्कि कई देशों में ये सपना पूरा हो रहा है। इंदुमती मेहरा के नाम से शुरू हुआ ये विंग किसी मरीज के बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसकी जरूरत देख के उसका इलाज करेगा। यहां से किसी को भी मायूस नहीं लौटाया जाएगा। अब रिलैक्स हो जा बेटा, सब सेट है ना माँ? हाँ बेटा, सब सेट है। ऐसा प्रेजेंटेशन होगा ना कि वो नैना जिंदगी भर याद रखेगी।
अब मैं आपको उन सारी सर्विसेज के बारे में जानकारी देना चाहूंगा जो ये विंग प्रोवाइड करेगा। हमारी कई सर्विसेज में से ये क्या है मिस्टर मेहरा, ये नैना बत्रा कौन है? मिस्टर मेहरा, सब जानना चाहते हैं ये नैना बत्रा कौन है और इनकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट स्क्रीन पे दिखाने का क्या मतलब? नैना, क्या हुआ, तुम प्रेग्नेंट हो? और तुमने अपने बच्चे के पिता का नाम रजिस्टर क्यों नहीं किया? क्या तुम कुंवारी हो इसलिए? पार्थ सर के टाइम पे तो इतना बोली बन रही थी, पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है ना? क्या पता इसी की वजह से पार्थ सर को ऑफिस से निकाल दिया गया। तुम सब लोग इससे इतने सवाल क्यों कर रही हो? तो क्या हुआ अगर नैना बिन ब्याही माँ बन रही है? मेरा मतलब है कि इसमें भी तो हिम्मत लगती है ना। अच्छा, तो अगर इसमें इतनी हिम्मत होती तो अपने बच्चे के बाप का नाम मेंशन जरूर करती रिपोर्ट में, है ना? क्यों नैना, कहीं तुम उस बात से शर्मिंदा तो नहीं? क्या हुआ, अब कोई लेक्चर नहीं दोगी? नैना मैडम, मैं प्रेग्नेंट हूं, पर मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है जो मैं आप लोगों से छुपाऊंगी, और नहीं मैं शर्मिंदा हूं। मुझे गर्व है मेरे होने वाले बच्चे पर। वाह, बच्चे को जन्म देने में तुम्हें कोई शर्म नहीं है, पर जिसके बच्चे को जन्म दे रही हो उसका नाम बताने में तुम्हें शर्म आ रही है? अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी होने वाले बच्चे के बाप का नाम क्यों छुपाएगा? बात उन लोगों से शेयर की जाती है जो अपने हो। तुम तो अपना डब्बा भी शेयर करने में लोगों से कतराती हो, तो मैं अपनी राज की बात तुम्हारे साथ क्यों शेयर करूं? मैं आप लोगों को मेरी लाइफ चलाने का हक नहीं दूंगी, क्योंकि मैं शर्मिंदा नहीं हूं। जिस इंसान ने मुझे बेइज्जत करने की घटिया कोशिश की है, उसे अपने आप पर, अपनी सोच पर शर्मिंदा होना चाहिए। क्या नैना को लगता है कि मैं इतना घटिया आदमी हूं कि मैं ये हरकत करूंगा? कोई मुझे मुफ्त में दो वक्की रोटी नहीं खिला रहा है कि जिसका मन करेगा वो मुझ पर उंगली उठाए। मैडम जी, देखिए हमारा ऑफिस एक बड़े से परिवार की तरह है, यहाँ सब लोग अपना दुख सुख आपस में बांटते हैं। अब अगर इतनी बड़ी सच्चाई का इनको पता चलेगा तो उन्हें धक्का लगना तो लाजमी है ना। अच्छा पांडे जी, फैमिली, आपको लगता है हम एक परिवार की तरह रहते हैं, तो ठीक है, मेरे परिवार वाले मुझसे क्या पूछना चाहते हैं पूछे। हाँ प्रिया, मैं कुंवारी नहीं हूँ, मैं डिवोर्सी हूँ, पर हाँ मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूं, मैंने खुद उन्हें छोड़ा है। और क्या जानना चाहते हैं आप राजन जी, पूछिए ना। और हां, मेरे पति मेरे बच्चे का बाप नहीं है, और उस बच्चे के बाप का नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं शर्मिंदा हूं। अगर अपनी जिंदगी में मुझे कभी गर्व महसूस हुआ हो ना, तो वो तब जब मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। आप सब सच जानना चाहते थे ना, यही मेरा सच है।
मेरे पति मेरे बच्चे का बाप नहीं है। मेरे बच्चे के पास कोई बाप का नाम नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। पर आप जानते हैं मेरे बच्चे के पास क्या है? एक ऐसी माँ है जो उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देगी, कभी कोई कमी महसूस नहीं होने देगी। इसलिए मेरा बच्चा खुश नसीब है। और लोग क्या कहेंगे मेरे या मेरे बच्चे के बारे में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरे बच्चे को भी मैं यही सीख दूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।